वांगशन एंड ए जानलवस। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा विभूषियान अपने रट को पिता कर वापस से बंगलों में उस आ चुका था। एंड आते ही उसने जो सबसे पहला काम किया था वो था वांगजी को स्लैप करना। वांगजी नीचे गिर चुका था। वो दोबारा अपने चेहरे को हुशैन की तरफ उठा कर देखता है एंड वो तब कहता है कि क्या किया आपने गगा। एंड हुशैन नीचे झुकता है एंड उसके आर्म को उसके बाजू को बहुत ही टाइटली पकड़ कर स्क्वीज करता है। वह कहता है तुम्हारे बहुत पर्स निकल आए हैं। हाँ क्या कहा तुमने शुमा से? मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। अच्छा तुमने उनसे नहीं कहा कुछ? तो फिर मुझे कैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सुन लो? तो क्या मेरे पास इतना फ्री टाइम है कि मैं अपने स्लेव की बात सुनूँ? हाँ तुम क्या बोले थे उनसे? हाँ कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। तुमने तो टॉर्चर किया कहाँ भी? अभी तो तुम्हारा टॉर्चर बचा हुआ है लव। और वो पीछे खड़े बॉडीगार्ड जिसने अपने फेस को टर्न किया हुआ था उन दोनों की तरफ उसका पीठ था। वो श्यान कहता है दो मुझे। एंड वो पर्सन तुरंत ही अपने हाथ को वैसे ही पीछे करता है रुशियान की तरफ। एंड रुशियान उस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ लेता है एंड देन वो गेट बंद करता है, दरवाज़ा बंद करता है एंड वांगजी को लाकर उसी हॉल में बीच में फेंक देता है वापस ज़मीन पर। वांगजी इससे पहले कि खड़ा हो पाता उसे तुरंत ही अपनी बॉडी में एक पेन, शार्प सा पेन फील होता है। वो मुड़कर रुशियान की तरफ तुरंत देखता है एंड देन वो देखता है कि रुशियान के हाथ में चाबुक है, वही चाबुक जो सर्कस में एक शेर को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वांगजी को पेन हुआ था क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होती है एंड खासकर वो बनाए ही ऐसी चीज़ों से जाती हैं ताकि उसे पेन हो। वो बना ही पेन के लिए था, इसीलिए रुशियान अब वांगजी के ऊपर बिना मर्जी दिखाए क्योंकि उसके ऊपर तो भूत सवार था। गुस्सा था उसे कि उसने ऐसे कैसे उसकी आंट से, उसकी एक लौते पर्सन से जिस पे वो इतनी ट्रस्ट करता है उसे अपनी तरफ कर लिया एंड वो पर्सन आज रुशियान के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये सुनकर तो रुशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो वांगजी को बिना कुछ देखे समझे ऐसे ही मारने लगता है। एंड जैसे ही उसके लेग्स के पास उसे कुछ गीला गीला फील होता है वो अपने होश में आता है। अभी तक वो ऐसे ही बस हिट किया जा रहा था एंड अपने मन में ये सब सोच रहा था एंड तुरंत ही क्योंकि उसने आते ही अपने शूज को उतार दिया था, उसने सॉक्स पहना था बट उसे फिर भी गीला गीला फील होता है। एंड देन वो जब देखता है तो वो देखे शॉक्ड हो जाता है, फ्लोर पर पूरा रेड ब्लड था। एंड देन वो वांगजी की तरफ देखता है जो कि ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। उसे खुद भी रियलाइज़ नहीं था रुशियान को कि उसने वांगजी को कितना ज़्यादा हिट किया है, बट देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि वो पूरी फ्लोर ब्लड से कवर्ड हो चुका था एंड वांगजी की बॉडी से कंटिन्यूसली फ्लो होते जा रहा था। रुशियान तुरंत ही उसे अपने आर्म्स में उठाता है एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे वांगजी की तरफ दिखाया जाता है। वांगजी धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है, उसकी पूरी बॉडी में बहुत शिद्दत से दर्द हो रहा था, मानो कि उसे अच्छी तरीके से जो काम करने के लिए उसे हर्ट किया गया था वो पूरी तरीके से उस पर्सन ने कर लिया है क्योंकि वांगजी को बहुत दर्द हो रहा था। रुशियान वो देखना चाहता था कि क्या रुशियान है, वो अपनी आइज को इधर उधर टर्न करता है बट नहीं रुशियान नहीं था एंड वो धीरे से उठने की कोशिश करता है बट उसे बहुत पेन होता है बट फिर भी वो उठता है। एंड देन वो देखता है कि आसपास में क्या है एंड वो देखता है कि टेबल के बेड के उसके साइड में एक शर्ट रखी हुई है एंड उसके सिवा कुछ नहीं है जैसा कि वो पहनता है। वो एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट थी जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी क्योंकि जब वांगजी ने उसे पहना तो वो उसे पूरे थाइस को कवर कर रही थी, वो उसकी नीज तक थी। वो उसे पहनता है, उसकी बॉडी में बहुत दर्द था, बैठा उसकी बॉडी में काफ़ी सारी पट्टियाँ की हुई थी अलग अलग जगह पर, हो सकता है कि शायद खून ना रुक रहा हो इसलिए की गई हो, वांगजी तो अपने मन में यही सोचता है। एंड देन वो अपने हेड को शेक करता है एंड वो अपनी फिगर को मिरर में देखने लगता है
उसकी पूरी बॉडी पे पता नहीं कितने बैंडेजेस थे। वो एक लिविंग मम्मी की तरह दिख रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं तो लिविंग मम्मी की तरह दिख रहा हूँ, उफ। और वो ऐसा कहकर स्माइल करता है छोटा सा, बट उसे पेन होता है। एंड देन वो सोचता है कि उसे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी क्योंकि उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही थी। वो सोचता है कि, एंड वो टाइम चेक करता है तो अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। वो कहता है, उफ मेरी तो मॉर्निंग कभी होती ही नहीं है, हमेशा ऐसे उठता हूँ, भूख लगी है मुझे। एंड वैसा कहकर नीचे गेट ओपन करता है। एंड अपने मन में ही बातें कर रहा था कि जब से आया हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं नसीब हुआ, पता नहीं क्या करते हैं ये भी, एटलीस्ट मुझे खाना तो खाने दे सकते हैं ना। हाँ, इतना टॉर्चर कर देते कि मैं उठ ही नहीं पाता हूँ। वो मन में ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। एंड वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एंड तभी एक आवाज़ आती है, लीव। वो इतनी डार्क थी, इतनी लाउड थी कि वांग जी एकदम सटपटा गया था। वो तुरंत ही वहीं सीढ़ियों पर ही, जो हाफ सीढ़ियाँ वो पहुँच चुका था वहीं पर वो गिर जाता है। वो हैरान भरी नज़रों से वुशियान को देखने लगता है। एंड देन वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बॉडी गार्ड्स थे। एंड वुशियान आराम से टेबल, जो सोफ़ा पर था उसके ऊपर बैठ कर अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, बट उसने ने शायद लीव का है। एंड इसीलिए उसके कमांड पर सभी बॉडी गार्ड्स तो वुशियान के आसपास खड़े थे, जो जहाँ भी थे वो सभी तुरंत ही बाहर जाते हैं एंड दरवाजे को बंद कर देते हैं, मेन डोर को। एंड वुशियान, जिसकी आँखों में खून आ गया था, खून उतर गया था, वो गुस्से में वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। हमारा वांग जी जो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि वुशियान उसे इतना ज़्यादा गुस्सा है एंड उसे ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा आज वुशियान के ऑरा से डर गया था, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स से फील हो रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एंड वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। एंड वुशियान आगे बढ़ रहा था, मतलब वांग जी पीछे पीछे जा रहा था, वुशियान आगे आगे बढ़ रहा था। फाइनली वांग जी जब सबसे टॉप सीढ़ी पर फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है, वो वहीं गिर जाता है क्योंकि उसके बाद सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थी। वुशियान उसके पास आ गया था एंड वो टाइटली उसके हेयर्स को पकड़ कर उसके हेड को ऊपर करता है। एंड देन वो कहता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही आग लगी है ना, तो क्यों ना इसे ठंडा ही कर दो मैं। हाँ, वुशियान जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बट वांग जी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि वुशियान इतना गुस्सा हो गया। वांग जी जो हैरान भरी नज़र से बस वुशियान को देख रहा था, वुशियान कुछ भी नहीं उसकी सुनता। वांग जी कुछ कहना चाहता था, वो उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश की, बट वुशियान तुरंत ही उसके कॉलर से उसे पकड़ते हुए खींचते हुए रूम में लेकर आता है वापस, उसे बेड पर फेंक देता है एंड एक ड्रॉअर खोलता है एंड वहाँ से बहुत सारी रस्सियाँ निकालता है। वुशियान उन रस्सियों को कट करता है एंड वांग जी की तरफ घूर रहा था। वांग जी जो लिटरली शेक कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी क्योंकि वो आज वुशियान से लिटरली डर रहा था, क्योंकि आज वुशियान का ऑरा कुछ ही ज़्यादा अलग था, डिफरेंट था। आज उसमें कुछ अलग था जो वो समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो बेड के एकदम कोने में सिकुड़ के बैठा हुआ था। वुशियान कहता है, लेटो। वांग जी जो उसकी आंखों में देख रहा था, वो अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से वुशियान और उस पर गुस्सा हो जाए, इसीलिए वो चुपचाप तुरंत ही लेट जाता है। वुशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो उसके हैंड और लेग्स को पूरे बेड के कॉर्नर से बांध देता है एंड वो भी बहुत टाइटली, जिससे वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था। वुशियान की तरफ वो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है धीरे धीरे, पर वुशियान उसकी नहीं सुनता और एकदम टाइटली उसके हैंड्स को एंड उसके लेग्स को सबको प्रॉपरली बांध देता है। वुशियान फिर उसकी तरफ देखता है एंड एक स्मर्क करता है एंड उस स्मर्क को देखकर वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। उसे पता था कि अब उसकी पक्का जान जाने वाली है, आज ही अल्फा उसे ज़रूर मार ही डालेगा, उसने ऐसे उसे बांध भी रखा है, आज पक्का उसकी जान जाने वाली है। वो अपने मन में कहता है, तो अंकल प्लीज़, वैसे तो मैं आपके पास नहीं आ रहा, बट हाँ माँ मैं आपके पास आने वाला हूँ, मुझे पक्का यकीन है। वो आखिरी बार वुशियान को देखता है एंड देन वुशियान ड्रॉअर से कुछ निकालता है जो वांग जी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वो है क्या। वुशियान कहता है, क्या तुम्हें पता है ये क्या है। वांग जी सर नाम ही शेक करता है और उसके आइज़ में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके चेहरे पर एक छोटा सा पाउट था। वुशियान कहता है, तुम्हारी आँख को ठंडा कर देगा। वांग जी कहते हैं, आग ठंडा क्या कह रहे हैं आप।
रुशान कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा मैं लव, तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है ना, सब ठंडा हो जाएगी। एंड वैसे कहकर उस चीज़ को वांगजी के पास लाने लगता है। वांगजी को लगा था कि वो कोई नाइफ लाएगा या कुछ बंदूक बंदूक टाइप का, बट ये छोटी सी चीज़ क्या है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं था, उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये चीज़ है क्या। बट वशियान जैसे ही उस चीज़ को वांगजी के अंदर इंसर्ट करता है, वांगजी तुरंत ही समझ जाता है। एंड वो चीखते हुए कहते हैं, ग वाइब्रेटर प्लीज़ घर से बाहर निकालिए, क्या कर रहे हैं आप। वशियान स्मक करते हुए कहता है, तो मेरे बेबी बॉय को बहुत जल्दी समझ आ गया हाँ कि ये क्या है। एंड वशियान उस चीज़ को ऑन करता है एंड वांगजी के उसे बहुत दर्द होना स्टार्ट होता है। वशियान जिसने उस चीज़ उस वाइब्रेटर की स्पीड को एकदम मैक्सिमम रखा था जहाँ तक वो जा सकता था, उसमें तीन स्टेजेस थे, नॉर्मल, थोड़ा सा हाई एंड मैक्सिमम। वशियान उसे सेट कर दिया था एंड वो कहता है, बेबी इंजॉय करो एंड मुझे उम्मीद है कि तुम इसे ठंडे हो जाओगे। एंड वो ऐसे कहकर डार्कली उसे एक बार देखता है एंड उस रूम को बाहर आता है एंड रूम को लॉक कर देता है। एंड वांगजी एंड क्योंकि वो रूम थोड़ा सा एंड क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ था इसीलिए वांगजी की चीखें बाहर नहीं आ रही थी। एंड वे जो आराम से आकर सोफ़ा पर बैठ जाता है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। एंड तभी उसकी सोफ़ा पर रखा फ़ोन रिंग करता है, वो तुरंत ही उस फ़ोन को पिक करता है एंड देन वो कहता है, सर आपका कॉल। एंड देन वो पर्सन सामने से कह रहा है, वशियान एक इमरजेंसी है, तुम्हें यहाँ आना होगा। वशियान समझ नहीं पाता कि अचानक से इमरजेंसी। वशियान कह रहा है, ठीक है सर मैं रिपोर्ट करता हूँ। एंड वशियान तुरंत ही वहाँ से उठता है, अपने सभी बॉडीगार्ड्स को लेता है एंड जो वांगजी के लिए छोड़ के जाता था उन्हें छोड़कर बाकी सबको वो लेता है एंड तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। एंड अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वशियान जिसके पास एक पर्सन आता है एंड उसे हिलाते हुए कहता है, चीफ चीफ जनरल आपको याद कर रहे हैं क्या। हाँ मीटिंग तैयार हो चुकी है, आपको उसे अटेंड करना होगा। वशियान कहता है, ठीक है। एंड तुरंत ही वो उस पर्सन के पीछे पीछे जाने लगता है। वशियान उस डोर को ओपन करता है एंड वो पहले फ्रेश होता है क्योंकि उसी उस जगह पर जहाँ उसका केबिन है उसमें एक स्पेशल रूम था, मतलब वॉशरूम था, उसमें बात लेता है, फ्रेश होता है एंड तुरंत आधे घंटे के अंदर वो जनरल को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो डोर को ओपन करता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी सभी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। वो सबको आता है, ग्रीट करता है एंड सभी ऑफिसर्स खड़े होकर उसे बो करते हैं। वो शैन उन्हें ग्रीट करता है एंड वन वो जनरल की तरफ देखता है, कहता है जनरल। तब वो पर्सन खड़ा होता है एंड कहता है, वशियान मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा, अब हमें इस पे वर्क करना होगा। वशियान की तरफ वो देखते हैं एंड वशियान कहते हैं, ठीक है। एंड देन वशियान जो आखिरी फाइनल डिस्कशन था उस मीटिंग का, जो भी उसने प्रोजेक्ट था उसका जो फाइनल डिस्कशन था, वशियान उसे स्टार्ट करता है। एंड वो मीटिंग जो स्टार्ट थी 6 AM से, वो चलते चलते रात के 8 बज चुके थे। वो मीटिंग बहुत ज़रूरी थी एंड बहुत बड़ी थी इसीलिए उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। एंड फाइनली वो सब कुछ अब स्टार्ट होने वाला था, एग्जीक्यूट होने वाला था, जिस वजह से वशियान यहाँ आया था। वशियान उन सभी ऑफिसर्स को देखता है, कहता है, ऑल द बेस्ट, इस पे मिशन पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए एंड हाँ आप लोग मुझे रिपोर्ट करिएगा। वशियान की बात सुनकर वो सभी नोट करते हैं एंड देन वशियान उन सबके को ऑल द बेस्ट कहकर चीफ वशियान जनरल के साथ वहाँ से निकल जाता है। वशियान जनरल के केबिन में आता है, एंटर करता है एंड देन वो कहता है, जनरल। तब वो पर्सन कहता है, वशियान तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है एंड हाँ अब तुम चाहो तो छुट्टी ले सकते हो, मैं तुम्हारी इस लीव को जो तुमने एप्लीकेशन डाला है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई होप कि हमारे चीफ जनरल जल्दी से वापस आएंगे, है ना। वशियान नोट करता है एंड देन वो पर्सन वशियान के उस लीफ को साइन करते हुए उस पेपर्स को वशियान के हाथ में दे देता है। वशियान एक गहरी सांस लेता है एंड उस पर्सन को वो करता है एंड वहाँ से वो निकल आता है बाहर। वो एक गहरी सांस लेता है एंड तभी वहाँ पर वशियान का सबसे मेन बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है एंड देन वशियान कहता है, ले ले ले, उसे ग्रीट करता है एंड देन वशियान कहता है, लो मेरा लीव फाइनल हो गया एंड अब मैं कुछ हफ़्तों के लिए फ्री हूँ, कुछ महीनों के लिए फ्री हूँ,
फाइनली अब मुझे इस चिक-चिक से शांति मिलेगी एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी प्रोजेक्ट था वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, इससे मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेले खुश होते हुए कहता है, हाँ मास्टर मुझे उम्मीद है कि आपकी ये मिशन ज़रूर पूरा होगा एंड आपने कभी आज तक फेल नहीं हुए हैं तो आप कैसे फेल हो सकते हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। विशान नोट करता है एंड देन लेले कहता है, सर घर चले। विशान नोट करता है एंड देन वो सभी लेले बॉडीगार्ड्स एंड विशान कार में बैठते हैं एंड वहाँ से वो तुरंत ही वे मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एंटर करते हैं विशान सोफे पे आके बैठ जाता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, फांगजी नहीं है। विशान जो बिल्कुल भी फांगजी के बारे में भूल चुका था, वो समझ नहीं पाता कि फांगजी है कहाँ एंड देन वो तुरंत ही रूम की तरफ बढ़ने लगता है एंड वो जैसे ही गेट को ओपन करता है वो वहीं फ्रीज हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली वो क्या कहे क्या करे, क्योंकि उसने जो देखा वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे एंड तुरंत ही वो चीखते हुए कहता है, ले ले एंड विशान की ऐसी वॉइस, इतनी डार्क इतनी भारी वॉइस सुनकर ले ले भागते हुए वहाँ आता है एंड देन वो कहता है, मास्टर क्या हुआ। विशान कहता है, ले ले तुम यहीं रुको, ओके एक मिनट। विशान जल्दी से अंदर भाग के जाता है एंड वो सभी रोप्स जो बांगजी को बांधे हुए थे वो उसे खोलता है, उसके हाथों को फ्री करता है। तुरंत ही एक शर्ट विशान तुरंत ही एक शर्ट अलमीरा से निकालता है एंड वांगजी को उसे पहना देता है एंड देन तुरंत ही वांगजी को अपनी गोद में लेता है एंड देन ले ले उस दरवाजे को खोलता है एंड तुरंत ही विशान वांगजी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ले ले बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहा था क्योंकि लेले को भी विशान के साथ साथ वांगजी की फ़िक्र थी। लेले समझ नहीं पाता है कि आखिर वांगजी की हालत ऐसे कैसी हो गई। वो देख सा रहा था कि उसके पूरे सॉरी गाइस बट यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, आई होप कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है एंड अब रिकॉर्डिंग करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए आई एम सॉरी इस छोटे से पार्ट के लिए, बट आई होप कि कुछ ना अपलोड करने से कुछ अपलोड करना बेटर होता है। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।